हमारी हमारी सोच जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे मुल्क के लिए वो सही थी, इसीलिए हमने 2015 में बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाई जम्मू कश्मीर में। वो इसलिए बनाई क्योंकि हमारे जहन में हमारी सोच जो थी वो ये थी, हमारे जहन में था कि हम बीजेपी के साथ जो गठजोड़ कर रहे हैं, बीजेपी के साथ जो अलायंस कर रहे हैं, वो वाजपेयी जी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, हमने उनकी इमेज को रिफ्लेक्ट किया था। लेकिन बीजेपी ने जो यहाँ पर काम किया पिछले 1.5 साल से, तो उस काम के खिलाफ देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर की हालत खराब हो गई जब से बीजेपी ने यहाँ से 370 हटाया है। यहाँ पर नौजवान जो है वो इतना गुस्से में है, नौजवान जो है वो इतना परेशानी के आलम में है कि ना उसके हाथ में पढ़ाई रही है, ना उसकी नौकरी उसके हाथ में रही है, ना यहाँ की जमीनें लोगों के हाथ में रही हैं। तो ऐसे में यहाँ बीजेपी के खिलाफ इकट्ठे नहीं होंगे तो क्या करेंगे? ये तो बीजेपी फ्रस्ट्रेशन में है। देखिए हमें पूरी उम्मीद है कि हम पूरी वैली की जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो है जितनी सीटें हैं उनको 8 से 10 सीटें छोड़ के बाकी सारी सीटें जो है अलायंस जीतेगा, और जम्मू रीजन की जो 10 सीटें हैं उनमें खिता पीर पंजाल आता है, उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनमें भी जो है बीजेपी का कोई एक इक्का दुक्का सीट को छोड़ के बाकी जो है वो सारी वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जहां पर और कांग्रेस के और पीडीपी के लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं वही आगे निकल रहे हैं।